हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टेनो लिपि में। आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अकबरनामा व आईने अकबरी की। दोस्तों आप सभी ने महान मुगल सम्राट अकबर के बारे में सुना ही होगा और पढ़ा भी होगा। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि अकबरनामा व आईने अकबरी क्या है। दोस्तों इस चित्र से आप देख सकते हो कि ये महान मुगल सम्राट अकबर है और ये उनका दरबारी और मित्र अबुल फजल, जो कि सम्राट को आईने अकबरी व अकबरनामा सौंप रहा है। दोस्तों इसकी शुरुआत का कहाँ से हुई आइए जानते हैं। अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों यानी 3 हिस्सों में लिखा। पहला शीर्षक का नाम है अकबरनामा। दोस्तों पहले जिल्द है अकबरनामा, अकबर के पूर्वजों के बारे में पूरा विवरण इसमें मिलता है। दूसरी जिल्द है अकबर के शासनकाल की घटनाओं के बारे में और तीसरी जिल्द है प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। इसमें आपको अकबर के प्रशासन, घराने, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का विवरण मिलता है। इसका नाम है आईने अकबरी। इसमें समकालीन भारत के लोगों उनकी परंपराओं, संस्कृतियों का भी रोचक आयाम है। सबसे महत्वपूर्ण बात आपको देखने को मिलेगी इसके अंदर वह यह है कि विभिन्न प्रकार की चीज़ों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकी विवरण आपको मिलता है, जिससे आपको पता चलता है कि उस समय अकबर की शासन व्यवस्था कैसे काम करती थी। दोस्तों अगर आपको कभी पढ़ने को मिले अकबरनामा व आईने अकबरी तो आप जानोगे कि उस टाइप मुगल जो कि सबसे प्रसिद्ध और सबसे अगर हम कहें कि सबसे काबिल अगर मुग़ल सम्राटों में था तो अकबर का नाम सबसे ऊपर आएगा। इसने दीन ए इलाही नाम से अपना एक नया धर्म भी बनाया था, जिसको सबसे पहले बीरबल जो उसका दरबारी और मित्र था उसने अपनाया था। दोस्तों आज के वीडियो से आपको मैं आशा करता हूँ कि अकबरनामा व आईने अकबरी क्या है इसका आपको पूर्ण विवरण मिल चुका है और यह काफ़ी एग्जाम्स के दृष्टि पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अकबरनामा क्या है और आईने अकबरी क्या है। अकबरनामा में जो कि पहली जिल्द है जो कि अबुल फजल ने लिखा है अकबर के पूर्वजों के बारे में और तीसरी जिल्द है, तीसरा हिस्सा है प्रशासन व्यवस्था के बारे में और जिसका नाम है आईने अकबरी और दूसरे हिस्से में जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके हैं शासनकाल की घटनाओं के बारे में है। तो अकबरनामे का फर्स्ट और जो थर्ड पार्ट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप हमेशा याद रखिए। धन्यवाद दोस्तों साथ बने रहने के लिए। इसी प्रकार के और वीडियो पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ।